हेलो गाइस, YTF एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आपने उम्मीद करता हूँ पहला एपिसोड देखा होगा और उसमें हमने चैनल बनाना सीखा था। अगर आपके कोई नया फ्रेंड, नया क्रिएटर कोई ऐसा है जिसको चैनल बनाने का पता नहीं है, वो उस वीडियो को ज़रूर देख ले। अब हम दूसरे एपिसोड में आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि चैनल बनने के बाद हमें कौन सी ऐसी 8-10 सेटिंग्स ऐसी हैं जो हमें वीडियो अपलोड करने से पहले कंप्लीट करनी है। तो एक न्यू क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने ये सारी चीज़ें कर ली हो सकता है आपने नहीं की हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे, चाहे आप ये कर भी चुके हो चाहे नहीं भी किया है, फिर भी आप इस चीज़ को स्टेप टू स्टेप लेकर चलेंगे। हम हर एक चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि चैनल हमने बना दिया पिछले एपिसोड में, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे इसमें जो हमें वीडियो अपलोड करने से पहले सेट कर देनी है अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद हम वीडियोस अपलोड करना करेंगे शुरू, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें आखिर तक, बहुत मज़ेदार ये वीडियो है। इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे हम शुरू से लेके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम लोगो से शुरू करते हैं। तो लोगो कैसे आपको लगाना है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे चैनल के ऊपर और कुछ इस तरह से आपके पास ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंसिल का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें। और उसके बाद आपको प्लस कर क्लिक करना है एडिट के ऊपर। अब आप गूगल के एक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे दोस्तों। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपलोड करोगे फ़ोटो जो भी आप लगाओगे। जैसे मैं ये बच्चे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें, स्टेप टू स्टेप काफ़ी सारी स्टेप्स हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमें करना है। तो ये मैंने अभी लोगो जस्ट समझाने के लिए एक सेट कर दिया, ठीक है। ये देखिए अपडेट हो चुका है, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब बैक आ जाओ, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हो सकता है साथ के साथ आ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप की ओर। एक हमारा हो चुका है, अब हमें लगाना है चैनल का पे आर्ट। तो इसी तरह चैनल आर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अब यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत इजी है। इसमें आप योर फ़ोटो और गैलरी का ऑप्शन भी है, तो गैलरी से भी आप निकाल सकते हो या यहाँ पे बने बनाए। चलो मैं लिखा के ये दिखा देता हूँ, एक ये कुछ इस तरह से आएगा और इसको सिलेक्ट करोगे, एडजस्ट क्रॉप कर सकते हो यहाँ से और इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे दो स्टेप्स दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हमारा आता है, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तीसरा स्टेप हमारा आ गया चैनल का डिस्क्रिप्शन। अब हम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप वही चीज़ लिखोगे जिससे रिलेटेड आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस डालोगे और अपना कंटेंट बनाओगे, ठीक है। इसमें आप अच्छे से एक अपनी खुद की इंट्रोडक्शन दोगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और लास्ट में आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आप इसको बना सकते हो। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें मेरे अबाउट में जाके, ठीक है। सेम वैसा कुछ आपको लिख देना है अपने चैनल की बारे में, ठीक है। अब आप दोस्तों अपने चैनल के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने चैनल को करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने से आपके कुछ यहाँ पे जो जिनमें आप एलिजिबल नहीं हो, नॉट एलिजिबल चीज़ें यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे होंगी, पहले आपको वेरीफाई करना होगा अपना ये नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के साथ भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करें और टेक्स्ट आप कॉल के ज़रिए करना चाहते हो वेरीफाई या टेक्स्ट के ज़रिए, तो टेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये बोलेगा कि व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और एक कोड आपको आएगा, वो आपको OTP यहाँ पे डालना है और आपका जो है वो चैनल वेरीफाई हो जाएगा।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, इससे अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स पे आप चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो अपलोड करने से पहले करनी है दोस्तों, इसका खास ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ एक फॉर्म खुलेगा आपके पास, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लगानी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जैसे एजुकेशन हो गई या कुछ भी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप स्टैंडर्ड लाइसेंस इसको रखेंगे या क्रिएटिव कॉमन में आप इसको रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको क्रिएटिव कॉमन में रखेंगे तो और भी लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि रीयूज़ कंटेंट कुछ होता है जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं, वो यहीं से पॉलिसी रखी जाती है रीयूज़ की। क्रिएटिव कॉमन अगर आप कर दोगे तो ये रीयूज़ की उसको परमिशन मिल जाएगी, कोई भी यूज़ कर लेगा। फिर यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टाइटल भी रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, कि आपको हर वीडियो जब भी आप अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। आपको बार बार डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्म को आप फिल करके, ऊपर सेव का एक बटन है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से टाइटल तो हमारा हर वीडियो में चेंज होता ही है, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के विद वीडियो लिंक्स और अपने सोशल मीडिया के लिंक्स और हैशटैग्स डाल के पहले से सेव करके रखें, ताकि आपको बार बार लिखनी ना पड़े। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख लें पूरी, और टैग्स यहाँ लगा सकते हो जो कि हर वीडियो में आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आ जाएं। उसके बाद इसको आप कंप्लीट कर लें और सेव कर लें दोस्तों। इसके बाद अब बढ़ते हैं ब्रांडिंग की ओर। तीसरा ऑप्शन आपके पास है ब्रांडिंग का, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए यहाँ पर, और इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब ब्रांडिंग क्या होती है दोस्तों? वाटरमार्क होता है। यहाँ पे कई बार आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, उनके लोगो नीचे लेफ्ट और राइट साइड के नीचे कॉर्नर पे उनका लोगो दिखता है, या उनका कोई वाटरमार्क, उनकी कोई चैनल की निशानी वहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होता है। किसी ने अपने फ़ोटो लगाए होते हैं, किसी ने अपने चैनल का लोगो लगाया होता है। ये वही चीज़ है अपने वीडियो का ब्रांडिंग। इससे क्या होगा, आप जितनी भी वीडियोस डालोगे ऑटोमेटिकली उसमें अपने आप आपके चैनल का ब्रांड, आपका लोगो वहाँ पे उनको दिखेगा। वहाँ पे आप लोगो की जगह सब्सक्राइब का बटन भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ऐड वाटरमार्क आपको करना है, उसके बाद अपना ब्रांड यहाँ पे जो भी आपका लोगो है उसको सिलेक्ट कर लें और सेव कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको ऊपर दिखाना चाहते हो वीडियो में या नीचे दिखाना चाहते हो लेफ्ट में या राइट में, वो सिलेक्ट कर लें और हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो करके, ठीक है। इससे आपको और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में भी मदद मिल जाती है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब बटन भी ऐड कर लो यहाँ पर तो बड़े आराम से आप ये चीज़ें कर सकते हो आपको, ठीक है। वाटरमार्क से आप, और दूसरा ये कि आपकी वीडियो को कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसमें आपका लोगो आपको उनको प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एडवांस की ओर। एडवांस की ओर आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि बहुत कमाल का है, मदद करेगा आपके चैनल की रैंकिंग में। सबसे पहले यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके कीवर्ड्स जो है वो लगा दें। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल कीवर्ड्स हैं, इसका खास ध्यान रखें, इनकी वजह से आपका चैनल जो है वो रैंकिंग में आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लगाओगे तो चैनल आपका ज़रूर ऊपर रैंक करेगा जब भी कोई सर्च करेगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक चैनल रिकमेंडेशन का मिलेगा, इसमें आपको अलाउ माई चैनल रिकमेंडेशन को मार्क करना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस आपके चैनल रिकमेंडेशंस में जाएगा, यूट्यूब उसको प्रमोट अगर करना चाहता है तो दूसरों को सजेशंस में देगा उसको, ठीक है। तो इसको इंश्योर करें कि आपका जो ये अलाउ माई चैनल टू अपीयर इन अदर रिकमेंडेशंस, ये आपको दिख रहा है, इसको मार्क करें, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें क्या ये मार्क्ड है, और इसको ऊपर जाके फिर आप सेव कर सकते हो। ऊपर है नीचे, ये नीचे है सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका चैनल जो है वो सजेशंस में जाएगा बाकी चैनल्स के, जब आप वीडियोस डालना शुरू कर दोगे। सबसे आखिरी काम जो आपको वीडियो अपलोड करने से पहले अब करना है, वो है अपने चैनल्स को, सॉरी सब्सक्राइबर्स को हाइड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में नीचे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टू माय चैनल और डू नॉट डिस्प्ले, इसमें आपको करना है डू नॉट डिस्प्ले पे, इसको क्लिक कर लें और उसके बाद इसको सेव कर लें।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है आपके व्यूअर्स के ऊपर। अगर आप वीडियोस डालना शुरू करते हो, मान लो आपकी वीडियो चल रही है कोई और आपको अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो वो आएंगे, वो देखेंगे, सब्सक्राइबर्स कम हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं अभी तो, 10 सब्सक्राइबर हैं अभी तो, 20 सब्सक्राइबर हैं, तो वो उनको एक मेंटली वो चीज़ हो जाएगी कि यार इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मेरे हैं, मैं क्यों इसको फॉलो करूँ। समझ रहे हो बात? तो शुरुआत के 1,000 सब्सक्राइबर्स तक तो अपने सब्सक्राइबर्स हाइड रखें, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हम इसी तरह खो देते हैं कि यार ये चैनल तो छोटा है, अभी तो इसके सब्सक्राइबर ही कुछ नहीं है, हम क्यों इसके साथ जुड़े हैं, हमने तो बड़े सब्सक्राइबरों वाले कम चैनल के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये एक मेंटली सा एक धारणा सी बन जाती है, तो इसको आप डू नॉट डिस्प्ले करके फिर आप इसको सेव कर सकते हो, और इसको आप सेव कर लोगे तो ये सारी आपकी कंप्लीट हो गई हैं चीज़ें। इसके बाद अब आप रेडी हो चुके होंगे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार यहाँ पे आए हो, क्योंकि अब बहुत मज़ेदार इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं, आगे स्टेप टू स्टेप हर चीज़ कवर करते हुए चलेंगे अपने चैनल के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।